नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोहित त्रिपाठी। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। रामपुर के गरीब अब 5 मंजिला इमारत में रहेंगे। एंकर जनपद रामपुर के गरीब जनता के लिए एक खुशखबरी है। यहां रामपुर में पहली बार प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 5 मंजिला इमारत तैयार की जा रही है, जिसमें 240 आवास बनाए जाएंगे, जिसमें रामपुर के गरीब बेसहारा लोगों को आवास दिए जाएंगे और बहुत ही जल्द इन आवासों का काम मुकम्मल कर गरीबों को आवास देने का काम जिला प्रशासन करेगा। यह आवास तहसील सदर के अजयपुर गांव में बनाए जा रहे हैं। जनपद रामपुर के तहसील सदर क्षेत्र के अजयपुर गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के अंतर्गत शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा प्रकर्षित इंटर ट्रेडिंग के क्रम में धनराज बिल्डर द्वारा ग्राम अजयपुर गांव में 5 मंजिला भवन बनाने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे स्वीकृत कर लिया गया है। RDA सचिव एवं सिटी मजिस्ट्रेट रामजी मिश्र ने बताया कि स्थल पर निर्माण कार्य चल रहा है और जल्द ही यह आवास तैयार कर गरीबों को दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत तहसील सदर अवस्थित अजयपुर में भूतल मिला करके करीब 5 मंजिला बिल्डिंग में 240 आवास बने हैं और इनके संदर्भ में जो DPR स्वीकृत हो चुकी है और 7 जून से इनका पंजीकरण भी शुरू कराया जा रहा है डूडा के माध्यम से। आवेदक अभ्यर्थी जो है वो शहरी निवास होना चाहिए रामपुर शहर में। आधार कार्ड वगैरह जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो उसके पास होनी चाहिए ताकि उसका पंजीकरण समय पर हो सके। इसमें 1.5 लाख रुपये केंद्र सरकार का, 1 लाख रुपये राज्य सरकार का और प्लस शेष जो धनराशि है वो उसको अभ्यर्थी को वहन करनी होगी, जिसमें से 5,000 रुपये का फार्म है वो पंजाब नेशनल बैंक से, साथ ही साथ फार्म जो है वो रामपुर विकास प्राधिकरण एवं जहाँ निर्माणाधीन भवन है वहाँ से ले सकता है। निर्माण कार्य शुरू हो चुका है सर, कब तक तैयार हो जाएगा? होपफुली है कि हम जल्दी शीघ्र ही तैयार कर देंगे पूरी बिल्डिंग, क्योंकि हमने फार्म आवंटन प्रक्रिया इसीलिए शुरू करा दिया है। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।